राजस्थान के बहुचर्चित रकबर खान लिंचिंग मामले में पुलिस ने पांचवें आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हिंदूवादी नेता नवल किशोर शर्मा को राजस्थान पुलिस ने 17 जून को गिरफ्तार किया। गौतस्करी का आरोप लगाकर करीब 3 साल पहले रकबर और उसके साथी के साथ मारपीट की गई थी। बाद में रकबर ने थाने में दम तोड़ दिया था। इस मामले में नवल किशोर से पहले पुलिस परमजीत सिंह, नरेश, धर्मेंद्र यादव और विजय मूर्तिकार नाम के आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस के मुताबिक 20-21 जुलाई 2018 की रात हरियाणा निवासी रकबर खान अपने साथी असलम के साथ 2 गायों को लेकर अलवर जिले से गुजर रहे थे। जब ये रामगढ़ थाने के एरिया में पड़ने वाले लालावंडी गांव पहुंचे तो कुछ लोगों ने उन्हें पकड़ लिया, गौतस्करी का आरोप लगाते हुए पिटाई कर दी। असलम तो भीड़ से किसी तरह बचकर भाग गया, लेकिन लोगों ने रकबर को पीट पीट कर अधमरा कर दिया। जानकारी मिलने पर पुलिस देर रात को गांव पहुंची, गायों को बरामद किया। घायल रकबर को साथ में थाने ले गई। घटना के करीब 4 घंटे बाद रकबर ने पुलिस कस्टडी में दम तोड़ दिया। रकबर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मौत आंतरिक चोट लगने की वजह से हुई थी। रकबर की 2 पसलियां टूटी हुई थी। इस मामले में पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया। इनमें परमजीत सिंह, धर्मेंद्र और नरेश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। बाकी 2 आरोपियों यानी विजय कुमार और नवल किशोर शर्मा के खिलाफ 173/8 IPC के तहत जांच लंबित रखी गई, मतलब कार्रवाई के लिए और जांच की जरूरत बताई गई। कुछ समय बाद पुलिस ने इस मामले में विजय कुमार को भी गिरफ्तार कर लिया। नवल किशोर शर्मा फरार चल रहा था। रामगढ़ पुलिस इस मामले में 17 सितंबर 2019 को चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। इसमें आरोपी विजय के हवाले से बताया गया कि उसने परमजीत, नरेश, धर्मेंद्र यादव के साथ गांव के शिव मंदिर में बैठकर योजना बनाकर इस वारदात को अंजाम दिया था। जब रकबर और उसका साथी जंगल से गाय लेकर जा रहा था तो रास्ते में उन्हें पकड़ लिया गया, खेत में ले जाकर मारपीट की गई। रकबर की हालत खराब होने के बाद पुलिस थाने में उसकी मौत हो गई। इस मामले ने उस समय काफी तूल पकड़ा था। इंटरनेशनल मीडिया में भी इसकी कवरेज हुई थी। अब 17 जून की रात करीब 10 बजे पुलिस ने रकबर मॉब लिंचिंग मामले में पांचवें आरोपी नवल किशोर शर्मा को गिरफ्तार किया। नवल किशोर पर IPC की धारा 302, 304, 323, 341 और 120 बी के तहत दोषी मानते हुए गिरफ्तार किया गया है। ये धाराएं हत्या, गैर इरादतन हत्या, मारपीट आदि से जुड़ी हुई है। अलवर की SP तेजस्विनी गौतम ने राजस्थान पत्रिका को बताया कि रामगढ़ के रकबर मॉब लिंचिंग मामले में पुलिस ने गुरुवार रात पांचवें आरोपी नवल किशोर शर्मा को गिरफ्तार किया। आरोपी नवल किशोर के खिलाफ 173/8 में जांच लंबित थी। अब जांच में उसे दोषी मानकर गिरफ्तार कर लिया गया है। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी अमित ने। शुक्रिया।